हाय रणछोड़ सर, यार घर जल्दी आओ, यहाँ तो जर जोरू जमीन का एक डिस्प्यूट हो गया है। अरे भाई रुक जाओ रुक जाओ, मैं आ गया हूँ। भाई विवाद क्या है मुझे समझाओ। अरे सर कोई बात नहीं है भाई, ये जो घर है ये मैं परी को ट्रांसफर करना चाह रहा था। बस मैंने इसको ये कहा कि जो रणछोड़ दास जी से हम किराया लेते हैं वो 30 साल तक तू खर्चेगी नहीं। आज 2020 है, 2050 तक बस इसको इकट्ठा करना है, तो ये नाराज हो रही है, रो रही है, इसको समझ ही नहीं आता। ये कहती है आप ऐसा कर ही नहीं सकते। अरे सर, आप ही ने तो आर्टिकल 39 के बी में बताया था कि बेस्ट यूटिलाइजेशन होना चाहिए प्रॉपर्टी का, और आर्टिकल 39 सी कॉन्स्टिट्यूशन में कंसंट्रेशन नहीं करने देना चाहिए वेल्थ का। तो ये मेरे पर इस तरह का रेस्ट्रिक्शन क्यों लगा रहे हैं कि 2050 तक आपका किराया मैं कहीं खर्च ही ना पाऊं, तो फिर ऐसे ट्रांसफर का फायदा क्या? समझा। अरे भाई जर जोरू जमीन का झगड़ा तब तक रहेगा जब तक हम कानून के बेसिक पहलू को ना समझें। तो आज शुरुआत करते हैं सत्यम परी सीरीज की, जिसमें मैं आपको रूल अगेंस्ट एक्यूमुलेशन, फिर रूल अगेंस्ट परपेचुइटी, रूल अगेंस्ट डबल पॉसिबिलिटी, राइट ऑफ अनबॉर्न पर्सन, एस्टॉपल और कई तरह के बढ़िया डॉक्ट्रिन्स इस सीरीज में आपको समझाऊंगा। टीपीए को पढ़ने का वैसे तरीका बता दूं, टीपीए पढ़ना है तो इलस्ट्रेशन से। तो भाई इस परिवार में एक घर है, इसको प्रॉपर्टी मान के चलेंगे, सत्यम को ट्रांसफरर, परी को ट्रांसफरी, और फिर नीरज और मैं तो रहेंगे ही। चलो जैसे इसी इलस्ट्रेशन में मैं हो गया आपका टेनेंट, सत्यम ने ट्रांसफर कर दिया 2020 में, डायरेक्शन लगा दिया एक्यूमुलेशन का 30 साल के लिए। लेकिन मान लो सत्यम अब तुम 2040 में मर जाते हो, तो क्या डायरेक्शन जो है वो पूरे 30 साल तक वैलिड रहेगी यानी 2040 तक, या तुम्हारे मरते ही ये डायरेक्शन ख़त्म हो जाएगी? भाई कुछ तो रूल होगा, तो रूल सुनो। सत्यम यानी ट्रांसफरर की पूरी ज़िंदगी तक एक्यूमुलेशन का डायरेक्शन दिया जा सकता है, तो परी रोने की कोई बात नहीं है। या फिर 2020 जब ये ट्रांसफ़र हुआ उससे 18 साल तक, इन दोनों में से जो भी लंबा पीरियड है यानी लॉन्गर, हाँ दिमाग में बांध लो LONGER, विच एवर इज लॉन्गर, उस हद तक एक्यूमुलेशन टीपीए परमिट करता है सेक्शन 17 के अंदर। अब भाई जैसा तुम जानते ही हो, लॉ तो तब शुरू होता है जब अपवाद यानी कि कॉमा, सेमीकोलन, एक्सेप्शन, नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग, नॉन ऑब्स्टेंटिव क्लॉज, प्रोवाइजो, यहाँ पर ही तो लॉ शुरू होता है। तो ऐसा तो नहीं होगा कि डॉक्ट्रिन या रूल अगेंस्ट एक्यूमुलेशन के कोई एक्सेप्शन नहीं होंगे। भाई इसका भी फॉर्मूला है, और DRP के फॉर्मूले से हम उसको भी समझ लेते हैं, नहीं तो भाई तुम तो झगड़ते रहोगे। भाई अगर सत्यम ने ये कह दिया परी को कि जो चाणक्य गुरुजी हैं, ठीक है उनसे मैंने उधार लिया था और वो उधार 5 लाख है, तो तुमने हर महीने इनकम से जो भी रणछोड़ दास जी से इनकम आता है किराए का, वो सबसे पहले तो डेट चुकाना है चाणक्य जी का। तो ये कितना भी लंबा खींच जाए, इसमें ना ट्रांसफरर की ज़िंदगी और ना 18 साल, दोनों में से कोई भी एक्सेप्शन नहीं आएगा। दूसरा, DRP के R का मतलब रेजिंग पोर्शन, यानी कुछ पोर्शन अगर वो कहते हैं गुरु दक्षिणा के रूप में हमेशा चाणक्य जी को मिलता रहे, कुछ पोर्शन यानी कि 1200 रुपया मेरा किराया है जो इनकम है इस प्रॉपर्टी के ऊपर, तो अगर सत्यम परी के ऊपर ये रेस्ट्रिक्शन लगा देता है कि इसमें से 200 रुपया दक्षिणा के रूप में जब तक चाणक्य जी जिंदा हैं तब तक देते रहना है, तो ये बिल्कुल ठीक है। हाँ ये बात ठीक है कि एडवर्ड्स वर्सेस टक में लॉर्ड क्रैनवत ने पोर्शन का मतलब समझाया था कि गुरु दक्षिणा का ये मतलब नहीं कि 1200 का 1200 आपने चाणक्य जी को देना है, कुछ पोर्शन का मतलब कुछ पोर्शन। और लास्ट में भाई इतना सुंदर ये घर है, सत्यम का एंसेस्ट्रल घर है, अब वो उसकी प्रिजर्वेशन या मेंटेनेंस के लिए बोल सकता है कि 1200 जो किराया आता है उसका कुछ जो है उस पर लगाते रहना है पूरी ज़िंदगी मेंटेनेंस या प्रिजर्वेशन पे, तो ये भी वैलिड है। और यहाँ सेक्शन 17 ख़त्म हो जाता है, लेकिन कुछ एक्सेप्शन
इसके सेक्शन 18 में भी दे रखे हैं, और 18 को सतारा के साथ पढ़ना चाहिए। और वो एक्सेप्शन है शाहरुख खान हाई कोर्ट क्यों गया। शाहरुख खान हाई कोर्ट क्यों गया भाई, SRKHC मतलब सेफ्टी, रिलीजन, नॉलेज, हेल्थ और कॉमर्स की जुड़ी हुई चीज़ों को लेकर, अगर एडवांसमेंट को लेकर कोई रेस्ट्रिक्शन लगाया जाता है जिसमें पब्लिक का बेनिफिट होना है, मैनकाइंड का बेनिफिशियल कोई ऑब्जेक्ट हो, जैसे मुसाफिर खाना, धर्मशाला, तो भाई यहाँ पर भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगता। तो DRP के अलावा एक बेनिफिट जो है पब्लिक का, वो भी एक्सेप्शन के रूप में सेक्शन 18 में दे रखा है। अरे वाह वाह सर, आपने तो भाई सत्यम और परी को फिर से एक कर दिया। अरे सर चलो, जो आपने बात बताई उससे यही समझ आता है कि 2020 में जो ट्रांसफर हुआ उसमें परी को एक्युमुलेशन का डायरेक्शन दिया जा सकता था, लेकिन अगर जैसा आपने कहा 2040 में यानी 20 साल बाद अगर सत्य मर जाता है तो परी को कोई जरूरत नहीं है 30 साल तक एक्युमुलेट करने का, क्योंकि दोनों एंगल से विच एवर इज लॉन्गर देखा जाए तो या तो लाइफ ऑफ सत्यम, तो वो तो है 2040, और या 18 साल फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर, वो बनता है 2038। दोनों में से लॉन्गर है 2040, तो इसीलिए 2040 तक ही एक्युमुलेट होगा, मगर डायरेक्शन तो है 30 साल यानी 2050। तो भाई 2040 के बाद परी कुछ भी कर सकती है प्रॉपर्टी का, यही है ना। बिल्कुल सही नीरज भाई, भाई ये तो मेरा फर्ज था भाई। अब नेक्स्ट सीरीज में हम एक्युमुलेशन के बाद परपेचुटी को समझते हैं, अनबॉर्न पर्सन के कॉन्सेप्ट को समझते हैं, 13 और 14 के रिलेशन को समझते हैं, 15 और 16 क्यों 17 के साथ 18 के साथ ही पढ़ना चाहिए इसको समझते हैं। तब तक के लिए बाय।